यह उत्तर प्रदेश के जिला सोनभद्र के मुख्यालय से महज 8-10 किलोमीटर की दूर पर स्थित करारी गांव है। वही करारी गांव जहां के ग्राम प्रधान पर 5,000 घूस लेने का आरोप लगाया था, 20,000 के बाद और एक्स्ट्रा 5,000 की मांग के साथ वहीं के एक निवासी गणेश ने। मामला था सरकारी जमीन पर आवास बनाने का और वहां लेखपाल और प्रधान महोदय ने मिलकर उसके आवास को रुकवा भी दिया था। नमस्कार, मैं विजय, आप देख रहे हैं लोकल न्यूज ऑफ इंडिया, गांव की गूंज दिल्ली तक। यह जो आप चारदीवारी देख रहे हैं, यह एक घर है और यह भी सरकारी आवास पर बन रहा है इन्हीं प्रधान जी और लेखपाल की बदौलत, क्योंकि कागज में यह प्रधान और लेखपाल जो चाहते हैं वही करते हैं। किसी का हक मारना हो या किसी को हक देना हो, बस इनकी जेब गर्म हो तो इनका काम हो जाता है, ऐसा लोगों का कहना है। यह शिकायत मुख्यमंत्री पोर्टल पर की गई है, लेकिन मुख्यमंत्री जी को इस समय चुनाव लड़ने के अलावा शायद ही फुर्सत होगी कि वो इस ग्राम प्रधान पर कुछ कार्रवाई कर पाए। एक तरफ तो आप देख सकते हैं कि उस व्यक्ति का काम रुका हुआ है, दूसरी तरफ यह पूरा का पूरा चबूतरा तैयार कर दिया गया है और अब इसको एक ऐसे सांचे में लपेट दिया गया है कि आपको पता भी ना चले कि यहाँ कुछ चल रहा है। पर खिचड़ी है, पक रही है, धुआं उठ रहा है, गांव वालों को दिख रहा है और बाकी दुनिया को भी। सरकारी अमले को कब दिखेगा, डीएम साहब को कब दिखेगा, बीडीओ साहब को कब दिखेगा, यह सोचने समझने की बात है। लेकिन ग्राम प्रधान की अपनी और लेखपाल की अपनी कागजी कार्रवाई पूरी दुरुस्त है, क्योंकि मलाई यही मिलती है।